हम बहुत सारे नेटवर्क्स में लैन वैन मैन सब के स्टैंडर्ड्स देखते आए हैं, और हमारी जो सबसे इम्पॉर्टेंट दो चीज़ें हैं कि हमारी फिजिकल लेयर और डेटा लिंक लेयर किस तरीके से काम करती है, क्योंकि ओवर द नेटवर्क लोअर थ्री लेयर से काम करती है बेसिकली। अदरवाइज जो ट्रांसपोर्ट लेयर है उसके अपर लेयर्स जो हैं वो एंड टू एंड डिलीवरी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। बट अगर नेटवर्क टू नेटवर्क के बारे में बात करें तो हर एक पर्टिकुलर नोड जो नेटवर्क पे अवेलेबल है उस नोड पे लोअर थ्री लेयर जो है, जो कि फिजिकल डेटा लिंक लेयर और नेटवर्क लेयर है, वो काम करती है। अगर हम यहाँ पर फ्रेम रिले के बारे में बात करें तो फ्रेम रिले में जो OSI की दो लेयर्स हैं उसके कॉरेस्पॉन्डिंग ही दोनों लेयर्स यहाँ पर काम करती है, मतलब कि फिजिकल लेयर और हमारी डेटा लिंक लेयर, जिसे कि फ्रेम लेयर में फ्रेम रिले में लिंक लेयर भी कहा जाता है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हमारी जो डेटा लिंक लेयर का जो फ्रेम फॉर्मेट है जो हमें अंडरस्टैंड करना रहता है, इन एवरी केसेस वी हैव सीन द फ्रेम फॉर्मेट ऑफ डेटा लिंक लेयर, यहाँ पर भी हम फ्रेम रिले के लिए डेटा लिंक लेयर का फ्रेम स्ट्रक्चर देखेंगे। ये बहुत ही आसान है, इनका सभी का बेसिक स्ट्रक्चर वहीं से जनरेट हुआ है HDLC से। पहला जो पॉइंट है वो है फ्लैग, फ्लैग जो है इनिशियलाइजेशन, एड्रेस, अब यहाँ पर बाइट कितने हैं या बिट्स हैं तो वो भी देखना है, तो ये 1 बाइट है या 8 बिट है, ये 2 बाइट मतलब 16 बिट की इंफॉर्मेशन है। फिर आता है डेटा, ये बहुत सिंप्लीफाइड है, सिंप्लीफाई इसलिए रखना है क्योंकि वैन एक बड़ा ज्योग्राफिकल एरिया कवर करता है, इसके अंतर्गत बहुत सारे नेटवर्क्स आ सकते हैं, और इसीलिए फ्रेम रिले का जो फ्रेम स्ट्रक्चर है वो बहुत इजी रखा हुआ है ताकि इट कैन बी कंपेटिबल विथ ऑल अदर स्टैंडर्ड, जो बाकी के स्टैंडर्ड्स हैं जिससे ये कम्युनिकेट करता है उन सभी के साथ ये क्या कर पाए, कम्युनिकेट कर पाए। तो यहाँ पे ये 1 बाइट है या 8 बिट, एड्रेस फ्लैग है, एड्रेस है, डेटा है, FCS है और फ्लैग है, ये लिंक लेयर या डेटा लिंक लेयर का जो हमारा फ्रेम रिले का फ्रेम है वो ये इस तरीके से दिखाई देता है। इसमें सबसे पहला जो पॉइंट है वो है फ्लैग, और फ्लैग जैसे पता है कि हम सिंक्रोनाइजेशन के लिए यूज़ करते हैं, इनिशियलाइजेशन ऑफ फ्रेम, इट शोज कि ये आपकी जो फ्रेम है वो स्टार्ट हो गई। ये जनरली 7E से रिप्रेजेंट होता है, हेक्साडेसिमल का 7E, जिसको अगर हम बाइनरी में रिप्रेजेंट करें सो इट विल बी 0111 and 1110, इस तरीके का कुछ एक 1 बाइट इंफॉर्मेशन पूरी की पूरी फ्लैग रिप्रेजेंट करती है। नाउ नेक्स्ट जो फ्रेम लेयर का पूरा सोल है वो है इसका 16 बिट एड्रेस, जो कि सारी चीज़ें डिफाइन करता है। हम DLCI के बारे में, डेटा लिंक कनेक्शन आइडेंटिफायर के बारे में पहले से ही बात कर चुके हैं। ये DLCI स्पेसिफाई करता है वर्चुअल सर्किट, पूरा वर्चुअल कनेक्शन, जो एक DTE को दूसरे DTE से कम्युनिकेट करने के लिए पाथ इस्टेब्लिश करना ज़रूरी होता है, वो वर्चुअल पाथ होता है, और उसको हम आइडेंटिफाई करते हैं उस DLCI नंबर से। इसलिए जब हम यहाँ एड्रेस फील्ड के बारे में बात कर रहे हैं तो ये जो एड्रेस फील्ड है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें जो है जो 10 बिट्स जो है वो स्पेसिफाई की गई है इस DLCI के लिए, जो आइडेंटिफाई करता है अ वर्चुअल सर्किट और वर्चुअल कनेक्शन इन बिटवीन द टू DTEs। ये तो सिंपल वर्चुअल कनेक्शन की बात हुई। अगर मान लीजिए बहुत सारे मल्टीपल टर्मिनल्स हैं और वो मल्टीप्लेक्स कर रहे हैं डेटा, इसका मतलब कि वर्चुअल सर्किट्स पे हमारे वर्चुअल कनेक्शन क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लेक्सिंग कर रहे हैं और एक स्ट्रीम ऑफ डेटा जनरेट कर रहे हैं, तो उसको भी इस DLCI से स्पेसिफाई, मतलब मल्टीप्लेक्स डेटा को भी जब ट्रांसमिट करना होता है तो इस DLCI नंबर से ही आइडेंटिफाई किया जाता है। नेक्स्ट इसमें जो 16 बिट्स में 10 बिट्स तो इसके लिए स्पेसिफाई की गई है, फिर है एक कमांड रिस्पॉन्स बिट, कमांड या जो कि फ्रेम रिले स्पेसिफाई नहीं करता, इसके सिर्फ अपर लेयर जो है वो स्पेसिफाई करती है कि ये कमांड है या रिस्पॉन्स है। फिर एक और आता है एक्सटेंडेड एड्रेस, वो DLCI के साथ एसोसिएटेड रहता है बट इट इज़ ऑफ नो यूज़ इन जनरल, जब हम जनरल कम्युनिकेशन कर रहे हैं उसमें इस एक्सटेंडेड एड्रेस की कोई खास ज़रूरत नहीं होती है। फिर एक और चीज़ है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो इस फ्रेम को बाकी की फ्रेम से अलग करती है, और वो है कंजेशन कंट्रोल। यहाँ पर कंजेशन कंट्रोल के लिए भी हमने स्पेसिफाई कर दिया है एड्रेस में ही कि क्या हो सकता है और क्या क्या पॉसिबल है। तो ये जो कंजेशन कंट्रोल की ये 3 बिट्स हैं, कंजेशन तो हमें पता ही है कि अगर दो पर्टिकुलर फ्रेम साइमल्टेनियसली ट्रांसमिट हो रही हैं तो वो कोलाइड कर सकती है, या मल्टीपल फ्रेम जब ट्रांसमिट हो रही है तो जब भी
नेटवर्क की कैपेसिटी से ज़्यादा अवेलेबल होगा डेटा, तो वहाँ पर कंजेशन होने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे इस कंजेशन की नोटिफिकेशन के लिए इन 3 बिट्स को इस्तेमाल किया जाता है, और वो है, एक है FECN, दूसरी है BECN और तीसरी है DE। अभी FECN जो है वो है फॉरवर्ड एक्सप्लिसिट कंजेशन नोटिफिकेशन। ये जब हम सोर्स से डेस्टिनेशन की ओर जा रहे हैं और कहीं पर रूट राउटर पर या कहीं और कंजेशन एक्सपीरियंस होता है, तो इसे इंडिकेट किया जाता है FECN को सेट करके। ये सिंगल बिट वैल्यू है, अगर ये 1 है इसका मतलब कि देर इज़ अ कंजेशन। जस्ट टू शो, ये देखिए ये एड्रेस फील्ड में जाता है, और आपको, हम पहले से जानते हैं कि जब हम पूरे नेटवर्क की बात करते हैं तो जो भी नोड है वो नोड फिजिकल लेयर, तो क्या होती है कि आपने फिजिकली जो 1010 भेजना है वो भेज रहे हैं। जो मेनली जो डेटा पढ़ता है वो है डेटा लिंक लेयर। तो डेटा लिंक लेयर जो है वो हमेशा एड्रेस जो है वो रीड करती है हर नोड पे। क्यों हर नोड पे ये एड्रेस पढ़ा जाएगा? इसलिए पढ़ा जाएगा ताकि ये पता चल जाए कि क्या ये जो भी डेटा भेजा गया है क्या ये मेरे लिए है। इफ़ इट इज़ नॉट, तो उसमें ये इंफॉर्मेशन भी रहेगी कि इस डेटा को आगे कहाँ भेजना है, मतलब रूट फिजिकल एड्रेस नेक्स्ट वाले लोकेशन का भी इसी DLCI एड्रेस में डाला रहता है। सो नेचुरली एवरी टाइम हर डेटा लिंक लेयर हर नोड पे इस पूरी इंफॉर्मेशन, स्पेशली फ्लैग और एड्रेस को पढ़ती है। तो यहाँ पर वो पढ़ने पर ये पता कर पाएगी कि अगर सोर्स से डेस्टिनेशन के बीच में कंजेशन है, सो ये कंजेशन मैकेनिज्म दिया ही इसलिए गया है ताकि DT जो है वो दूसरे एंड पे जो DT उसको इंडिकेट कर दिया जाए, या जो राउटर है उसको इंडिकेट कर दिया जाए कि देर इज़ अ कंजेशन इन द नेटवर्क। नाउ इफ दिस इज FECN, सिमिलरली आपके पास बैकवर्ड एक्सप्लिसिट कंजेशन, जो कि यहाँ पे बैकवर्ड कंपेटिबिलिटी देता है, मतलब बैकवर्ड एक्सप्लिसिट कंजेशन नोटिफिकेशन भी है, ये भी एक सिंगल बिट वैल्यू है, और ये अपोजिट डायरेक्शन में स्पेसिफाई करने के लिए। अपोजिट मतलब डेटा जब हम सोर्स से डेस्टिनेशन की ओर भेज रहे हैं तो FECN यूज होगा, और अगर डेस्टिनेशन से सोर्स की तरफ कहीं कंजेशन है, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में कंजेशन है, तो ये वाली बिट जो है नोटिफिकेशन जनरेट करेगी। सो ये इस तरीके के कंजेशन कंट्रोल के लिए ये मैकेनिज्म, जो कि और किसी दूसरे किसी प्रोटोकॉल में अभी तक स्पेसिफाई नहीं किया गया था, स्पेशली इन द एड्रेस फील्ड, यहाँ फ्रेम रिले में वो दिया गया है। नाउ द लास्ट बिट विच इज़ गिवन एज द डिस्कार्ड एलिजिबिलिटी। देखिए कई तरीके की फ्रेम्स होती है, कई बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ जो फ्रेम्स होती है उनकी इंपॉर्टेंस कम होती है। इसका मतलब कि आप प्रायोरिटाइज कर सकते हैं। हम प्रायोरिटाइज कैसे करेंगे कि अगर कंजेशन हो रहा है तो किसी एक फ्रेम को डिले कर दें या रोक दें और दूसरी फ्रेम को हम क्या कर दें, आगे भेज दें। सो दिस डिस्कार्ड एलिजिबिलिटी जो है वो खुद सेंडर लगा के भेजेगा, DT ही सेट करके भेजेगा कि भाई इस फ्रेम की क्या है इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं। अगर ये मार्क करके भेजता है तो इन केस ऑफ कंजेशन एवरी नोड एट अ पर्टिकुलर नोड, अगर कंजेशन हो रहा है तो वो उस पर्टिकुलर फ्रेम को वो पहले इसको पढ़ता है कि क्या इसमें डिस्कार्ड एलिजिबिलिटी है। यस, इफ देर इज एलिजिबिलिटी कि ये इसको डिस्कार्ड कर सकता है, तो कंजेशन को कम करने के लिए, कंजेशन को रोकने के लिए इसको क्या कर देगा, डिस्कार्ड कर देगा, और क्या करेगा कि फिर से सेंडर इसको फिर रिट्रांसमिट करेगा। और ये कंजेशन कंट्रोल कैसे हो गया भाई, अब नंबर ऑफ फ्रेम्स कम होती जाएंगी। अगर आपने देखा कि 5 फ्रेम को ड्रॉप कर सकते हैं, तो आप 5 फ्रेम अगर नेटवर्क से ड्रॉप कर रहे हैं तो आप बाकी फ्रेम्स को फास्टली क्या करेंगे, एक एंड से दूसरे एंड पे पहुंचा पाएंगे। तो ये जो प्रायोरिटाइज करने का मैकेनिज्म है फ्रेम रिले में, वो फ्रेम रिले नेटवर्क में और कहीं पर अवेलेबल नहीं है। ये डिस्कार्ड एलिजिबिलिटी या एबिलिटी जो है ये इसमें गिवन है। सो ये तो हो गया आपका फ्लैग और एड्रेस फील्ड। देन कम्स द डेटा फील्ड। डेटा तो जाना ही है, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली पूरी फ्रेम ही स्ट्रक्चर ही बनाया गया है। तो हम जो है अपर लेयर जो है उससे PDU लेते हैं, जो कि प्रोटोकॉल डेटा यूनिट होती है, और उसको हम यहाँ पे डेटा को फिट करते हैं। यहाँ पे वेरिएबल लेंथ का डेटा आप ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम जो उसका साइज रखा है वो 16,000 ऑक्टेट तक आप इसमें डेटा फिल कर सकते हैं। 16,000 ऑक्टेट का मतलब है 16,000 बाइट का डेटा हम इसमें फिल कर सकते हैं। Now next comes the FCS, that is the frame check sequence. Every time, just to check the integrity of whole of the frame, it is necessary to check the error at the receiving end or in meanwhile in between the node. हम nodes के, दो nodes के बीच में अगर कहीं error आ गई है तो node to node भी हम check कर सकते हैं, क्योंकि data link layer is responsible for node to node delivery. तो हर node पे आप error check कर सकते हैं, और ये FCS जो है frame check sequence, either it may be a checksum or a CRC which is added.
और उसकी हेल्प से हम एरर चेक कर सकते हैं, डिटेक्ट कर सकते हैं, या फिर समटाइम्स सिंगल बिट एरर करेक्शन मैकेनिज्म कैन बी अप्लाइड। तो ये इस तरीके से ये पूरा का पूरा फ्रेम स्ट्रक्चर है जो कि फ्रेम रिले को दूसरी प्रोटोकॉल से अलग करते हैं, क्योंकि ये बेसिकली एक प्रोटोकॉल सूट है और उसका ये प्रोटोकॉल का ये स्पेसिफिकेशन जो है वो बाकी सारे नेटवर्क से काफ़ी कुछ अलग है।